आज की इस वीडियो में हम आपके साथ उन कामयाब अदाकारों के बारे में शेयर करेंगे जो शादी के बाद पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। तो अगर आप इन तमाम अदाकार जोड़ों के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। नंबर वन, उस्मान मुख्तार। शोबिज इंडस्ट्री के कामयाब अदाकार उस्मान मुख्तार, जो अपनी शानदार अदाकारी के बायस बहुत कम वक्त में मकबूल हुए। इनकी शादी का भी इनके मदामों को बेसब्री से इंतजार था। अदाकार उस्मान मुख्तार ने अप्रैल 2021 में एक सादा सी निकाह की तकरीब में जुनैरा इनाम खान से शादी की और अपने निकाह की खूबसूरत तस्वीर मदामों के साथ शेयर की। इस मौका पर इन्हें खूब मुबारकबाद मौसूल हुई और इनकी जोड़ी को भी बहुत पसंद किया गया। अब अदाकार उस्मान मुख्तार और जुनैरा इनाम खान की शादी के बाद ये पहली ईद है जो वो एक साथ मनाएंगे। नंबर टू, सुहाए अली आबरू। अदाकारा सुहाए अली आबरू की शादी की खबर भी अचानक ही मदाहों के सामने आई, जो मदाहों के लिए काफी हैरानी की बात थी। अदाकारा सुहाए ने 22 मार्च 2021 को क्रिकेटर शहजार मोहम्मद से शादी की। क्रिकेटर शहजार मोहम्मद साबिक क्रिकेटर शुएब मोहम्मद के बेटे हैं। अदाकारा सुहाए और शहजार मोहम्मद की जोड़ी को भी मदाहों ने बहुत पसंद किया और इनकी शादी की तस्वीर और वीडियो भी मदाहों में बहुत मकबूल हुई। अब अदाकारा सुहाए और शहजार एक साथ पहली ईद मनाएंगे। नंबर थ्री, मरियम अंसारी। फरवरी 2021 को मरियम अंसारी की शादी अवैस खान से हुई। इनकी शादी मदाहों के लिए किसी सरप्राइज से कम नहीं थी। इनकी शादी की तमाम तर तस्वीर बहुत ज्यादा वायरल हुई। मरियम अंसारी अदाकार अली अंसारी की बहन है। इनकी शादी साबिक क्रिकेटर मोइन खान के बेटे से हुई। अदाकारा मरियम अंसारी और अवैस खान की लव मैरिज थी और अब वो शादी के बाद एक साथ अपनी पहली ईद उल फितर मनाएंगे। अगर आपको मरियम अंसारी और अवैस खान की जोड़ी पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर फोर, सिन्हा असगर। अदाकारा सिन्हा असगर, जो अपनी शानदार अदाकारी से सबको हैरान कर चुकी हैं, इन्होंने दिसंबर 2020 में अचानक शादी करके सबको मजीद हैरान कर दिया। इनकी शादी उमर मुर्तजा से हुई। शादी के मौका पर अदाकारा सिन्हा असगर के शोहर को इनकी बड़ी उम्र की वजह से तनकीद का निशाना भी बनाया गया, लेकिन अदाकारा सिन्हा असगर अपने शोहर के साथ काफी खुश नजर आती है और अब वो शादी के बाद अपनी पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। इनकी शादी लव मैरिज है। नंबर फाइव, सारा खान। कामयाब अदाकारा सारा खान की शादी गुलकार फलक शबीर से जुलाई 2020 में हुई। इनकी जोड़ी को मदाहों की जानिब से बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि गुलकार फलक शबीर अपनी बीवी सारा खान से हमेशा मोहब्बत का इजहार अनोखे अंदाज में करते हैं, जो इनके मदाहों को बहुत पसंद है। वो सारा खान को हमेशा फूल देते हुए नजर आते हैं, जिससे इनकी मोहब्बत वाजे तौर पर नजर आती है। ये खूबसूरत जोड़ा एक साथ अपनी पहली ईद उल अज़हा मना चुका है, लेकिन अब शादी के बाद इनकी ये पहली ईद फितर है जो वो साथ मनाएंगे। नंबर सिक्स, सना जावेद। अदाकारा सना जावेद उन्हीं अदाकाराओं में से एक है जिनकी शादी का इनके मदाहों को बेसब्री से इंतजार था। इनकी शादी अक्टूबर 2020 में गुलकारों अदाकार अमेर जसवाल से हुई। इन्होंने निकाह की एक सादा सी तकरीब में शादी की। ये खूबसूरत जोड़ा अब एक साथ गुजारे के वक्त की खूबसूरत तस्वीर शेयर करते रहते हैं और वो एक साथ बहुत खुश नजर आते हैं। अदाकारा सना जावेद और गुलकार अमेर जसवाल शादी के बाद अब अपनी पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। नंबर सेवन, मंशा पाशा। अदाकारा मंशा पाशा की शादी अप्रैल 2021 में जबरान नासिर से हुई। इन्होंने सादा सी निकाह की तकरीब में शादी की। इससे पहले इन दोनों की मंगनी काफी धूमधाम से हो चुकी थी। अदाकारा मंशा पाशा जबरान नासिर के साथ काफी खुश नजर आती हैं और वो एक साथ गुजारे के वक्त की तस्वीर अपने मदाहों के साथ शेयर करते रहते हैं। अब ये खूबसूरत जोड़ा भी शादी के बाद अपनी पहली ईद एक साथ मनाएगा। Please subscribe Showbiz News Official and press the bell icon for latest Showbiz updates. नंबर एट, नादिया खान। मशहूर मॉर्निंग शो होस्ट और अदाकारा नादिया खान की दूसरी शादी जनवरी 2021 को फैसल मुमताज राव से हुई। अदाकारा नादिया खान अपनी दूसरी शादी के बाद काफी खुश है और वो अपने शोहर फैसल मुमताज राव के साथ यूट्यूब वीडियोस में भी नजर आती हैं। अदाकारा नादिया खान की भी शादी के बाद ये पहली ईद है जो वो अपने शोहर के साथ मनाएंगी। नंबर नाइन, रुबाब हाशिम। अदाकारा रुबाब हाशिम की शादी नवंबर 2020 को शोएब अली से हुई। अदाकारा रुबाब हाशिम की मेहंदी बारात और वलीमे की तमाम तर तस्वीर और वीडियोस को मदाहों की जानिब से बहुत पसंद किया गया। इनकी और शोएब की जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अदाकारा रुबाब हाशिम शादी के बाद अपने शोहर के साथ बहुत खुश नजर आती है और अब वो अपने शोहर के साथ पहली ईद उल फितर मनाएंगी।
नंबर 10 सलमान सईद, कामयाब अदाकार हुमायूं सईद के छोटे भाई अदाकार सलमान सईद की शादी सितंबर 2020 को अलीना फातिमा से हुई। इनकी शादी काफी धूमधाम से हुई, जिस पर बड़ी तादाद में शोबिज तारों ने शिरकत की। अदाकार सलमान सईद की शादी की तमाम तस्वीर को सोशल मीडिया पर बहुत पसंद किया गया और अदाकार हुमायूं सईद के छोटे भाई होने की वजह से इन्हें बहुत ज्यादा मीडिया कवरेज भी मिली। इनको शादी के बाद कई बार मॉर्निंग शोज में भी देखा गया। अब अदाकार सलमान सईद और अलीना फातिमा शादी के बाद अपनी पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। नंबर 11 आमना शेख, अदाकारा आमना शेख ने तलाक के बाद दूसरी शादी अगस्त 2020 में उमर फरूख से की। इनके दूसरे शोहर का ताल्लुक दुबई से है। अब अदाकारा आमना शेख अपनी बेटी और शोहर के साथ दुबई में रहती हैं और वो काफी खुश नजर आती हैं। इनकी भी दूसरी शादी के बाद ये पहली ईद उल फितर है जो अपने दूसरे शोहर के साथ मनाएंगी। नंबर 12 फरयाल महमूद, अदाकारा फरयाल महमूद की शादी कामयाब साथी अदाकार दानियार रहील से हुई। इन्होंने भी अचानक शादी करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने निकाह की सादा सी तकरीब में शादी की। इनकी शादी 28 मई 2020 में हुई, जिसमें सिर्फ इनकी फैमिलीज ने शिरकत की। अब अदाकारा फरयाल महमूद और दानियार रहील शादी के बाद पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। नंबर 13 शहजीन राहत, शोबिज इंडस्ट्री की यंग और मल्टी टैलेंटेड अदाकारा शहजीन राहत, जो बहुत कम वक्त में मकबूलियत हासिल कर चुकी हैं। इन्होंने अप्रैल 2021 को शोएब लशारी से शादी करके सबको हैरान कर दिया। इन्होंने बहुत सादगी से निकाह की तकरीब में शादी की। यकीनी तौर पर इनकी जोड़ी भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है और अब वो शादी के बाद पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। नंबर 14 कंवल अफ्ताब, मशहूर होस्ट और टिकटॉकर कंवल अफ्ताब, जो यकीनन किसी तारुफ की मोहताज नहीं। इनकी शादी अप्रैल 2021 में कामयाब टिकटॉकर जुल्कर नैन हैदर से हुई। इनकी जोड़ी मदाहों में बहुत ज्यादा मकबूल है। इनकी शादी की तमाम तस्वीर और वीडियोस को दिल खोलकर शेयर किया गया और वो सोशल मीडिया पर टॉप ट्रेंड बनी रही। अब शादी के बाद कंवल अफ्ताब और जुल्कर नैन हैदर एक साथ अपनी पहली ईद उल फितर मनाएंगे, जिसका इनके मदाहों को बेसब्री से इंतजार है। नंबर 15 शहरोज सबसवारी, अदाकार शहरोज सबसवारी की दूसरी शादी अदाकारा और मॉडल सदफ कंवल से मार्च 2020 में हुई। शादी के मौका पर इस अदाकार जोड़े को काफी ज्यादा क्रिटिसाइज भी किया गया, लेकिन वक्त के साथ साथ इनकी जोड़ी भी मदाहों में मकबूल हो चुकी है। चूँकि अदाकारा सदफ कंवल और शहरोज सबसवारी की शादी ईद उल फितर के बाद हुई थी, इसलिए वो इस बार अपनी पहली ईद उल फितर एक साथ मनाएंगे। नंबर 16 अहमद गुडेल, पाकिस्तानी मॉडल और होस्ट अहमद गुडेल ने अचानक सितंबर 2020 को शादी करके अपने मदाहों के साथ तस्वीर शेयर की। इनकी शादी की खूबसूरत तस्वीर देखकर इनके मदाह बहुत खुश हुए। इनकी जोड़ी को भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया। अब मॉडल और होस्ट अहमद गुडेल अपनी बीवी के साथ पहली ईद उल फितर मनाएंगे। नंबर 17 हारून रशीद, पाकिस्तानी सिंगर हारून रशीद ने जून 2020 को निकाह की सादा सी तकरीब में फरवा हुसैन से शादी की। इस जोड़े की भी ये एक साथ पहली ईद उल फितर होगी जो वो एक साथ मनाएंगे। आपको इन कामयाब जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सबसे ज्यादा पसंद है और वीडियो के बारे में अपनी राय से जरूर आगाह करें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।